नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ आई क्यू बाई जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परमानेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। ये परमानेंट जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की निकली गई है, ठीक है। जो एक कॉलेज के अंदर निकली हैं, ये निकली हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश, और जो उत्तराखंड के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। कॉलेज का नाम भी देख लेते हैं, ये कॉलेज का नाम है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, ये आपका कॉलेज का नाम है। तो अब बात करते गए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर परमानेंट जॉब्स निकली हैं। ये लिस्ट सारी डिपार्टमेंट्स की जहाँ पे परमानेंट जॉब्स निकली हैं। तो बात करें, यहाँ मैथमेटिक्स भी है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो मतलब कि टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके वहाँ परमानेंट जॉब्स निकली हैं, आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। और साथ ही साथ इसकी आपको पे स्केल देखिए जो कितनी हाई है। ये लेवल 14, ये 7th पे जो हमें लागू हुआ है उसके हिसाब से है, ठीक है। इसके अंदर आपको 144,200 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी इसके अंदर। अरे यही बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो उसकी आपकी पर मंथ जो स्टार्टिंग पे होनी है वो 131,400 रुपये होनी है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, ये 57,700 रुपये आपकी होनी है, ठीक है। पर जब बात करें इसके अंदर अलाउमेंट्स नहीं जुड़ी हुई, अगर वो भी आप जोड़ देंगे तो ये आपकी पे स्केल काफ़ी हाई जाने वाली है। जैसे ये 57,700 रुपये जो आपकी स्टार्टिंग पे है वो 70 के नियरबाउट पहुँच जाएगी, 70 या 75 मतलब 1,000 पे हो जाएगी। इसी तरह ये 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ये भी, ठीक है, 1,60,000 के नियरबाउट आपकी सैलरी की पहुँच जाएगी। तो पे स्केल आपकी बहुत हाई है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि नंबर ऑफ पोस्ट किस कैटेगरी के लिए कितनी है, ठीक है, जर्नल वास्ते कितनी की है, कैटेगरी किस वास्ते कितनी की है, यहाँ पे इन्होंने सब प्रोवाइड करवाया भी हुआ है। और नंबर ऑफ पोस्ट सब में काफ़ी अच्छी निकली हुई हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 4 या 5 जॉब्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। अदरवाइज़ इस तरह हर कॉलेजेस के अंदर नहीं निकलता, हर बारी बस 1 या 2 ही निकली होती हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है सबके लिए। अब बात करते हैं इनकी फर्दर कंडीशंस की। यहाँ पे लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आपके पास निकली हुई है फ्रेंड्स, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है इसकी भी लेवल 10 के हिसाब से आपके 57,700 रुपये पे रहने वाले की है, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये भी पोस्ट अच्छी है फ्रेंड्स, परमानेंट जॉब है, 57,700 रुपये आपको स्टार्टिंग मिल रही है। आपके करियर के एंड में रिटायरमेंट के अंदर आपको 182,400 रुपये जो मिलेंगे, तो बहुत अच्छा है कि मेरे हिसाब से तो आप सबको अप्लाई करना चाहिए, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अब इनके इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ जो एससी एसटी जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, ये सिर्फ अपनी स्टेट वाले कैटेगरीज को मानेंगे। जो इनकी स्टेट के अलावा अदर कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली के साइड से आ गया, ठीक है, कोई यूपी का हो गया, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। पर उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उनको रिजर्व कैटेगरी नहीं मिलनी। रिजर्व कैटेगरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उत्तराखंड से गए हैं, उत्तराखंड का ही रिजर्व कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगी रिजर्व कैटेगरी, बाकियों के लिए ये जर्नल गिनेंगे सबको, ठीक है। चाहे आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, अगर आप उत्तराखंड स्टेट के नहीं हैं तो आप उनके लिए जर्नल में काउंट होगे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी चीज़ लिखा है कि ये नंबर ऑफ पोस्ट घटा और बढ़ा अपने हिसाब से सकते हैं, ये इनके हाथ में है कि डिपेंड करेगा सिचुएशन पे उनके हिसाब से। पर ये जल्दी से ऐसा करते नहीं, ठीक है, ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि बाय चांस कुछ घटना ऐसी हो जाए कि इनको बाय चांस बढ़ानी है घटानी पड़े, बढ़ती तो नहीं घटती है पर किस्मत की बात होती है फ्रेंड्स, पर जल्दी से ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं ये, ठीक है। और आपको जो सारे अपने प्रूफ हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब कि आपके पास उनके खुद के साइन करोगे, जो कॉपी आप इनको स्कैन करके या फिर फोटो स्टेट निकाल के इनको सेंड करोगे उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपने खुद सिग्नेचर करके अपना खुद CV तैयार करके अच्छी तरह, जो भी आपका मतलब कि रैंक वगैरह बनते हो, नंबर बनते हो, सिस्टम जो इसके अंदर हैगा, ठीक है, वो आपको खुद ही तैयार करके उनको सेंड करना है, जो सेल्फ अटेस्टेड होंगे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ टेस्टेड वाली, ठीक है। और बाकी मैं आपको कहूँगा जो आपको मैं यूनिवर्सिटी साइड आपके अंदर इसको पता ही है, यहाँ पे आप जाए ना, यहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी साइट्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो एक बार उनसे बात भी कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी फ़ीस भी है की है, ठीक है, इनकी फ़ीस कितनी है, चलिए उस पर चलते गए हैं। हाँ,
ये फीस है ये 1000 रुपये जो जर्नल के अंदर आते गए, ठीक है। जर्नल ओबीसी के लिए आपके लिए है गया 1000 रुपये इसकी फ़ीस, और 500 रुपये उनके लिए गया है जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके आपके मतलब कि जो नॉन रिफंडेबल है गया, ठीक है। ये फीस आपके बस इंटरव्यू के लिए होगी, और साथ ही साथ आप याद रखना फ्रेंड्स, अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुए ना तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, तो आपके 1500 रुपये भी वेस्ट हो जाएंगे। तो भरने से पहले सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज इनको सेंड करने से पहले अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड कराया हुआ है, जो आप इनके साइट पे जाके भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म इनको भर के देना होगा, ठीक है। ये आप देख लेना, जिन्होंने अपने जो भी आप के कॉलेजेस के अंदर जो आपके प्रोफेसर वगैरह लगे हुए हैं जो आपके नॉन में हो, तो उनसे जाके डिस्कस जरूर कर लेना ये भरना किस तरह है, ठीक है। गलती मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आपका कि बढ़िया ढंग से नहीं भरा होने कारण, ठीक है ना, नेगेटिव आपकी मार्किंग जाती है, परमानेंट जॉब जगी है, तो किसी भी तरह की मिस्टेक मत करना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। मैं थैंक यू बाय जतिन से, थैंक यू फ्रेंड्स।